ऑलराइट गाइस, आज के दिन बात करेंगे एरर हैंडलिंग के बारे में, देखेंगे एरर हैंडलिंग क्या होती है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एरर हैंडलिंग कैसे की जाती है। अब देखो, नाम तो छोटा सा है एरर हैंडलिंग, बट अगर देखा जाए तो एरर हैंडलिंग करते कैसे, ट्रैक कैच लगाते। बट आप सोचो, अगर आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो ट्रैक कैच, तो आपका कोड कितना बड़ा होता है और बार बार आपको ट्रैक कैच लगाना पड़ता है। उस चीज को रिजोल्व करने के लिए एक्सप्रेस बोलता है कि आप एरर हैंडलिंग करो। अब वो कैसे करता है, लाइक मान लो आपका एपीआई था। अब ऐसा होता है कि आपने कोई फंक्शन लगाया, जैसे कि एग्जाम्पल कहता हूँ आपको, मेरा एक एपीआई है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल बना रखा है मैंने, जहां पर मैं टोडू को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई वेरिएशन लगाया कि रिक्वेस्ट बॉडी आया कि नहीं आया, या फिर टाइटल आया कि नहीं आया, डिस्क्रिप्शन आया कि नहीं आया, तो मुझे कुछ इस तरह का एरर मिल रहा है इस तरीके का। अभी क्या एप्लीकेशन क्रैश हो चुका है, अगर मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ उस चीज को, तो रिक्वेस्ट हो रहा है बट क्या है, चला जा रहा है प्रोसेस में, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस चीज को हैंडल करना पड़ता है। कैसे हैंडल करते हैं, कुछ आगे से देखने वाले हैं। एरर हैंडलिंग जरूरी है करना? हाँ जरूरी है। क्यों? देखो, अगर आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन काम करो, मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट पर काम करो, जहाँ पर आपके यूजर्स आते हैं, यूजर्स को आपके क्रैश एप्लीकेशन दिखाओगे कि बार बार जाओगे, इस फाइल को सेव करोगे दोबारा, देन उसके बाद इसको रन करोगे, नहीं ना, तो आप क्या करते हो, एरर हैंडलिंग करते हो। अब एरर हैंडलिंग चाहे वो मोंगूज के एरर हैंडलिंग हो, जेडब्ल्यूटी हो, किसी भी तरीके का एरर हो, उसको हैंडल करना। ट्राई करने को तो आप ट्राई कैच भी करते हो, बट ट्राई कैच क्या करते हो, आपके कोड को बड़ा करते हैं। अगर सोचो मैं ट्राई कैच लगा दूँ, अभी मेरे पास एक राउट है, ओनली एक कंट्रोलर है, अगर होते पास 5-10 कंट्रोलर, तो वहाँ के मैं ट्राई कैच लगाता रहता, नहीं, वहाँ पे क्या करते हम कैच ऐसे एरर हैंडलिंग करते हैं। अब होने को तो बहुत सारे पैकेजेस भी हैं लाइब्रेरी में, बट हम आज इस वीडियो में नेटिव पढ़ेंगे कि नेटिव कैसे हैंडलिंग करते हैं। नेटिव मतलब उसका कस्टम कोड लिखकर, वो चीज देखने वाले हैं। अभी मेरे पास सिंपल एप्लीकेशन है, वो चीज दिखाता हूँ आपको कि एप्लीकेशन क्या कहती है मेरी और क्या कर रही है। तो इंडेक्स डॉट जेएस सिंपल सी, इसमें एक्सप्रेस बना हुआ है, एक डीबी है, एक ऐप बना हुआ है, और थोड़े बहुत मिडलवेयर्स हैं, डीबी कनेक्ट किया हुआ है, एक राउट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके पास। आप चलते हैं राउट के पास कि राउट्स में क्या क्या है। एक मैंने बनाया हुआ राउटर बनाया हुआ है, एक कंट्रोलर है जो ऐड किया है, देन पोस्ट रिक्वेस्ट है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। बात करते हैं मॉडल्स के बारे में, तो मॉडल्स में क्या है, जिसमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है, इसके अलावा एक मॉडल है जो टारगेट कर रहा है किसी टास्क को। ठीक है, बात करते हैं कंट्रोलर की। कंट्रोलर में क्या है, सिंपल सा पैकेज इंस्टॉल किया हुआ, एचटीटीपी स्टेटस मैंने टास्क मॉडल एड टास्क लिया हुआ, जिसमें मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से टाइटल डिस्क्रिप्शन गेट कर रहा हूँ और इसको भेज रहा हूँ। ठीक है, अब जो एरर आ रहा है मेरे को, वो एरर आ रहा है मेरे को मॉन्गूस तक, क्यों, जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ मेथड तो उसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि मैंने उसको भेजे नहीं है। आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो देखो ये डिस्क्रिप्शन मैंने भेजा है, बट कहता है एम्प्टी भेजा है, टाइटल तो मैंने भेजा ही नहीं है। अगर सेंड कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है एरर, वो क्या कर रहा है, मेरे कनेक्शन को रिफ्यूज कर रहा है बार बार। ठीक है, एंड कॉन्फिगर करता हूँ, कॉन्फिगर डीबी कनेक्शन, बस इतना ही फाइल स्ट्रक्चर है मतलब। अब बात करते हैं कि इसको हैंडल कैसे किया जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर हैंडल करने का सिंपल तरीका वो था ट्राई कैच, अगर इसको ट्राई कैच में कर दूंगा, लाइक मैं लिख दिया ट्राई और कैच इस तरीके से, देन सिंपल सा कैच, इसमें एरर ले लिया मैंने, ट्राई करने ये कोड डाल दिया और एरर करने डाल दिया मैंने, डेस्क डॉट स्टेटस इस एचटीटीपी स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, एंड सेंड किया, मैंने भेज दिया एरर इस तरीके से, एरर डॉट मैसेज। अब ये देखो कि मैंने कितना बड़ा कोड कर दिया, मैंने ये 3 लाइन एक्स्ट्रा लगा दी। ठीक है, हम कोडिंग में जितना कम हो सके उतना लिखते हैं, बट यहाँ पर हमने लाइन एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा लगा दी। अगर तो देखेंगे यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार, तो वेटिंग फॉर दैट। ओके, देखो यहाँ पर एरर तो आया, बट एरर किस में आया, टेक्स्ट फॉर्म में। अच्छी बात है टेक्स्ट फॉर्म में आया, ये तो अपनी बात है, लेकिन यहाँ देखो कि हमने क्या किया, ट्राई कैच लगाया, और ट्राई कैच क्या होता है, कभी कभी मैश कर देते कोड को, जो कर ही रहे हैं यहाँ पर, ट्राई लगा रहा है, यहाँ कैच लगा रहे हैं, दूसरा कंट्रोल बनाएंगे उसमें भी लगाएंगे। अब इस चीज रिजोल्व करेंगे कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करना है, किसी भी नाम से कर लो, मैं करता हूँ एक क्रिएट करता हूँ मिडल वेयर नाम से, यहाँ पर मिडल वेयर लगाएंगे। ठीक है, और एक बनाऊंगा क्या, यूटिल्स नाम से, जहाँ क्या होगा, एक एक्चुअल कोड होगा जहाँ पर क्या होगा, इसको हैंडल किया जाएगा। अब हैंडल करके जो कन्वर्ट करेगा उस कोड को, जो एरर को, वो होगा मिडल वेयर। ठीक है, अब कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर यूटिल्स में आते हैं, एक क्रिएट करते हैं क्या फाइल, विच इज कैच एसिंग नाम से, कुछ भी नाम से कर लो, कैच एसिंग नाम, इट डजेंट मैटर कि आपको कैच एसिंग की करनी है, यही करनी है, बट आप करते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर लिखते हैं सिंपल सा कॉन्स्ट कैच एसिंग। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इससे, सिंपल सा, देख भाई हम तुझे ये वाला जो फंक्शन है, इस एड टास्क को हम ऐसा पैरामीटर भेजेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर भेजा तो हम यहाँ फंक्शन गेट कर लेंगे, भेज दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक करेगा रिक्वेस्ट, एक करेगा रेस्पॉन्स, और एक करेगा क्या, नेक्स्ट, सिंपल सा रिटर्न करेगा इसको, सिंपल। अब इसके बाद ये प्रोसेस होगा। ठीक है, समझना पूरी बात को, कैच एसिंग हमने क्या बनाया, खुद का कस्टम, उसके हम क्या पैरामीटर ऐसा फंक्शन गेट किया, फंक्शन रिटर्न कर रहा है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट, जो कि मिडल वेयर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोलेंगे हम, इससे बोलेंगे क्या, देख प्रॉमिस डॉट रिजोल्व, अगर कोई भी दिक्कत आई, जैसे ट्राई कैच लगाते हो, उसमें भी क्या होता है, प्रॉमिस करते हो पहले तो कि भाई पहले ट्राई कर, ट्राई तो कर, ट्राई किसको करेंगे, बोलेंगे फंक्शन को, फंक्शन
अब फंक्शन को पास कर देंगे रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है सिंपल सा। ओके उसके बाद क्या करना है तेरे को, सिंपल अगर तेरा कोई एरर आता है देन तो हो ही जाएगा, अगर नहीं होता है मतलब मान ले कैच में कोई एरर आता है तो क्या करेंगे, कैच सिंपल सा क्या नेक्स्ट को कॉल करा देंगे। अब जो नेक्स्ट है किसको टारगेट करता है, वो टारगेट करता है हमारी फाइल के इंडेक्स डॉट जेएस के एंड को। अगर यहाँ पे कोई भी चीज होती है मिडलवेयर होता है कोई भी लगा रखा हुआ तो उसको टारगेट करता है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा बन गया क्या कैच ऐसे, जो क्या करेगा एरर को हैंडल करेगा और हमें फेंक देगा। अगर इसको रिजोल्व किया जाए देखा जाए कैसे लगता है ये, करते क्या मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट देन कैच ऐसे सिंपल सा भेज दिया हमने। अब इसको गेट करते हैं तो यहाँ पे आता है टास्क कंट्रोल में और इस ट्राई कैच को रिमूव करते हैं सिंपल सा, और इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, मैं लिया इसको और इसको नहीं पूरे लेना है कैच एसिंग को, भी मेथड है पूरा एसिंग मेथड इसको लेना है। इसमें क्या डालना है कैच एसिंग रैप करना है इसको, क्या करेंगे हम इसके अंदर पास करना क्या फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन हमारे ये हो गया, ठीक है ये भेज दिया हमने, एंड अब देखते हैं क्या वो काम करता है हमारा, तो देखते हैं अभी। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, अगर सेंड करता हूँ तो मेरे को मिलता है एरर, ठीक है। बट एक चीज देखना एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुआ, एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुआ हमारा देखना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया रिजोल्व किया और कैच में एरर भेज दिया। अब क्या करना है, ये एरर जो आ रहा है तो बेकार एरर आ रहा है, इसको क्या हैंडल करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है एक प्रिटी फॉर्म में, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, और देखो यहाँ पर जो स्टेट कोड आ रहा है वो रहा है 500, हम 500 ही आएगा चाहे वो कुछ भी हो, वो 500 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक कैच का एरर है और कैच का एरर क्या होता है बाय डिफॉल्ट 500 ही होता है, ठीक। हमें क्या बोलना है उसको कि अगर मैं एरर भेज रहा हूँ खुद का, मैंने भेजा क्या, अगर मान ली यूजर एग्जिस्ट नहीं है किसी भी टेबल में और मैं उसको एरर भेज रहा हूँ क्या कि यूजर नॉट एग्जिस्ट, अब वहां पे क्या आता है 401 या फिर बैड रिक्वेस्ट ये आती है, वहां पर तो 500 नहीं आता इंटेंट सर्वर एरर। इंटेंट सर्वर एरर का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन को दिक्कत है या कुछ ना कुछ दिक्कत कर दी आपने, ठीक है। उस चीज को हम कस्टम करेंगे, कैसे करेंगे, मिडलवेयर के अंदर आते हैं एक फाइल क्रिएट करते हैं विच एरर नाम से, डेमोस्ट्रेट करेंगे इसको एरर को डॉट जी एस, सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है देखो, सबसे पहले समझ लो कि एरर आएगा कहाँ से, हमें एक्सप्रेस ही देगा, कैसे देगा लिखा हुआ कहीं ना कहीं, आपको दिखाऊं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या एरर, तो दिया हुआ द डैश डॉट स्टेट को इस सेट फॉर्म एरर डॉट स्टेट, ये चीज हमें लेनी लेनी है, ठीक है। और स्टेट कोड वैल्यू आउटसाइड ऑफ 400 और 500 रेंज इट विल बी सेट ऑन 500, ठीक है। तो ये दिया फंक्शन एरर हैंडलर, इस तरीके से हमें लेना है। अगर डैश डॉट एरर सेंड ही होता है तो आपको नेक्स्ट कर देना, एल्स में 500 एरर भेज देना है। हमें क्या करना है इसको प्रिटी फॉर्म में करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं, चलना इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ पर, और हमें क्या बोलना है यहाँ पर देखो एप डॉट यूज एरर आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, रेस्पॉन्स आएगा, नेक्स्ट आएगा, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या करो, अगर देखो एरर तो आएगा, अगर वो एंड तक हमारी लाइन में आ रहा है यहाँ पर तो एरर तो आएगा, पक्की बात है एरर तो आना ही आ रहा है, राजी राजी गैर राजी आना ही, ठीक है। एरर क्या हो सकता है, पेज नॉट फाउंड हो सकता है, एरर हो सकता है हमारा कुछ भी हो सकता है। तो हम उससे बोलेंगे क्या, सिंपल सा बोलेंगे देख अगर एरर आ रहा है एक काम कर, बढ़िया सा काम ये कर कि एरर को एक तो निकाल दे स्टेटस कोड, स्टेटस कोड क्या निकलेगा जो हमारा एरर ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसके अंदर निकलता है क्या एरर डॉट स्टेटस कोड, इस तरीके से दिया हुआ होगा कहीं पे स्टेटस कोड दिया होगा कहीं पे, आई दिया कॉपी करना मैं या पेस्ट करना, ठीक है। ये निकल गया स्टेटस कोड, अगर कोई कस्टम भेजता है उस हिसाब से, अगर नहीं मिलता है, अगर मान ले नहीं मिलता है, अगर बाई चांस नहीं मिलता है, उस टाइम पे क्या करेगा एसिड भी स्टेटस निकाल दे क्योंकि हमारे पास पैकेज है उसके हिसाब से, और इससे बोलेंगे इंटरनल सर्वर एरर पुट करना पड़ेगा कॉन्स्ट एचटीटीपी स्टेटस फ्रॉम रिक्वायर ऑफ एट एचटीटीपी स्टेटस, ठीक है। इसके आप लेते हैं आर ई क्यू आई, जैसे ये यहाँ आते हैं इसको डॉट इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो ये हमारे इशू को इंप्लीमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है इस पर क्या बोलना है, इसे बोलना है रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्स स्टेटस को चल दो, रेस्ट और स्टेटस क्या है ये वाला, ठीक है। डॉट सेंड इसके अंदर भेजेंगे हम जेसन ऑब्जेक्ट, इसमें पहला होगा कोड, मतलब कस्टम भेज रहे हैं सब कुछ, इसमें कोड क्या हमारा स्टेटस कोड हो गया। सेकंड थिंग मैसेज, अब आपको पता है एरर ऑब्जेक्ट होता है जो कैच एसएन का जो कैच होता है उसके अंदर मिलता है क्या ई डॉट मैसेज मिलता है, तो ऐसे इसके अंदर मिलता है क्या एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज, ठीक है। ये मिलेगा ही मिलेगा, अब उसका मिलता है क्या हमारा स्टैक होता है, स्टैक क्या होता है इसलिए जो पूरा दिखाता है कि किस लाइन में एरर है, क्या क्या एरर आ गया, क्या दिक्कत आ गई, किस में दिक्कत आ रही, वो चीज दिखाता है ना, वो होता है स्टैक। हम बोलते हैं
स्टैक विच इज एरर डॉट स्टैक, ठीक है, बस सिंपल सा। क्या देखते हैं ये काम कर रहा है हमारा, इसको आते हैं एंड चेक करते हैं यहाँ पर, एंड सेंड किया। देखो इस तरह से मिल गया, यहाँ पर हमारा क्या रहा, कोड आया 500, एज क्या टास्क रिलेशन फील्ड टाइटल पाथ जो भी है तुम्हारा ये, एंड स्टैक। स्टैक में क्या आता है पूरा, जब कुछ भी क्या कहाँ रह गया, किस फाइल में दिक्कत थी और कैसे आया, सब कुछ बता दिया उसने, ये था हमारा एरर। बट ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुई कहाँ पर, जहाँ पर हमने वैलिडेशन काम किया। अब मान लो कि इसको पेज नहीं मिलता, इसने पेज नहीं मिला, जो भी टास्क है जो है ही नहीं, पेज एक्सेस नहीं करता, मैंने सेंड किया। अब यहाँ पे कह रहा है डिफॉल्ट पेज आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ ऐसे केस में, ऐसे केस में कि पेज डिफॉल्ट तो आए, मतलब ऐसे तो आए बट मेरे अकॉर्डिंग, इतने ना मेरे अकॉर्डिंग, एंड सेकंड डे अगर मान लो टास्क है, मैंने बोल दिया वैलिडेशन क्या इस तरीके से, तरीके से तरीके से, तो मान लो कि मैंने भेज दिया क्या इफ नॉट ऑफ टाइटल ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेज दिया मैंने, और भेज दिया क्या थ्रो न्यू एरर, एरर क्या भेज दिया टाइटल इज रिक्वायर्ड, तरीके से इस तरीके से भेज दिया हमने। एंड यहाँ देखो सेंड किया मैंने, देखो यहाँ क्या आ रहा है टाटा इज रिक्वायर्ड इज गुड टोटली फाइन, बट ये चीज सोचो कि 500 क्यों आ रहा है, 500 का मतलब ये हो गया इंटरनल सर्वर एरर। मैंने बताया कि इंटरनल सर्वर एरर कब आएगा, जब आपके एप्लीकेशन को दिक्कत होगी या फिर आपका कोड फट गया होगा, ठीक है। हमारा कोड फटा नहीं है, हमारा कोड चल रहा है बट एरर दे रहा है, ठीक है। इस एरर को हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर राइट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ओवर राइट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो जो एरर लिखा था हमने उस कोड को यहाँ लाते हैं, वाले फंक्शन को यूज किया था हमने, इस वाले फंक्शन कॉपी करते हैं यहाँ से वाले को, एंड कंट्रोल एक्स किया, इसको यहाँ पेस्ट करके, कैसे करके, और एरर एंटर, बेसिकली हम उसको अगर स्प्लिट कर रहे कोड को ऐसे डाल दिया हमने तरीके से, और सेट इसिंग करना चाहते इसिंग कर सकते हो बट जरूरत नहीं, ऑडियो एक्सपोर्ट कर रहे सिंपल सा, क्या करना हमें सिंपल सा एरर हैंडल, ये किया, और जो स्टेट कोड था ये भी निकालना पड़ेगा हमें, तो ये काम ही नहीं करेगा हमारा, हमें ये लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से कॉपीज कर लूँगा थोड़ा सा, ए दैट्स इट। इसके बाद क्या करना है, ये वाला कॉपी करना है हमें, और डेट ए वाला एरर हैंडलर, और इसको पेस्ट करना है कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कहाँ पे, जब एरर हैंडल होगा, ये हैंडल हो गया हमारा एरर कहाँ पे, जब लास्ट लाइन पे जब एरर आएगा या फिर पेज नहीं मिलेगा उस स्टेप पे, ठीक है। अब मुझे क्या बोलना है, जो तुम्हारा एरर आ रहा है ये वाला जो एरर आ रहा है इसको ओवरराइड करो, क्या पहले तो स्टेटस कोड मैं भेजूंगा अपने पास से, अगर मान लिया कि मैंने कोड भेज दिया क्या कि 200 यानी कि ओके, ये बोल दिया या फिर ये बोल दिया मैंने कि 401 यानी कि नॉट फाउंड, सॉरी 404 नॉट फाउंड, 401 अनऑथराइज, ऐसे कोड भेजा, तो ये कोड मेरे शो होने चाहिए, ठीक है। उस काम को मुझे खुद करना है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे यूटिल्स के अंदर, एक क्रिएट करेंगे API एरर से, तो क्या करेगा API एरर लिख करके बस API एरर डॉट js, यहाँ क्या बोलेंगे, देख भाई तो पता है हमें क्या देख एरर आता है, अगर ध्यान से देखोगे इस एरर को तो ये एरर है क्या, एक क्लास है, ठीक है। हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम क्लास को क्या करते हैं एक्सटेंड करते हैं यानी इनहेरिट कर सकते हैं, जब इनहेरिट करेंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती है, मिलती है कि नहीं मिलती है, तो वही सेम काम करना है। तो यहाँ आना है हमें कहाँ क्लास, इसे बोलना है क्लास, क्या क्लास है API, ठीक है। इसको एक्सटेंड करना है, इससे एक्सटेंड करना है एरर से, ठीक है। जब एरर से एक्सटेंड किया तो हमें आना पड़ेगा, पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज कॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब हम API को एरर को कॉल करेंगे उस टाइम पर पैरामीटर ले लेंगे, उससे कैसे लेंगे कंस्ट्रक्टर तरीके से, जैसे क्या मैसेज ले लेते हैं, बोला स्टेटस कोड दे दो पहले, तो जो भी कोड दे रहे हो कोड दे दो, सेकंड दे दो क्या मैसेज, सेकंड तक स्टैक में चाहो स्टैक दे सकते हो, नहीं तो मैं बाई डिफॉल्ट एम्प्टी रख दूंगा, ठीक है। ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं जब हमने इसको कॉल किया एरर को, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक नहीं होंगी, अब उनको कॉल कराना है तो हम क्या करते हैं यूज सुपर कीवर्ड का, सुपर कीवर्ड का, सुपर फंक्शन का, ऐसे हम क्या करते हैं सुपर कीवर्ड कॉल देंगे, इसके अंदर मैसेज को पास कर देंगे, ठीक है। मैसेज क्यों पास कर रहे हैं, समझे मेरी बात को, एरर की अगर बात की जाए तो एरर लेता क्या है, अगर यहाँ पे हम एरर में दे रहे हैं तो दे क्या रहा है, इसको मैसेज दे रहे हैं, इस मैसेज को हमने डायरेक्ट पास कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये पास हो गया, इसके बाद क्या करना हमें प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, अब प्रॉपर्टीज कैसे चेंज की जाएंगी, दिस कीवर्ड में से दिस डॉट से आओ एंड देखो क्या क्या मिलती है, पहले मिलता है हमें मैसेज, मैसेज तुमने चेंज कर दिया, क्या वो दोबारा चेंज कर सकते हो कैसे, इक्वल्स टू मैसेज, तो ऑप्शनल था करो या मत करो एक बराबर था, ठीक है। उसके बाद दिस डॉट स्टेटस कोड, अब ये स्टेटस कोड कहाँ से आ रहा है मैं बताता हूँ आपको, क्या आपने, और ये यहाँ पर आओ, इसी पास के पास यहाँ देखो
हमने लिखा था क्या, स्टेटस कोड कहां से आ रहा है, एरर टू स्टेटस कोड। तो ये स्टेटस कोड हम क्या करें, यहां से रेप्लीकेट कर रहे हैं, कहां से, एपीआई एरर से। ये कर दिया हमने इंप्लीमेंट। अब क्या करना है, हमें स्टैक को इंप्लीमेंट करना है। स्टैक के दो रूल है देखो, अगर स्टैक बंदा खुद भेजता है तो वो भी चलेगा, अगर नहीं भेजता है तो क्या करें, ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। ठीक है, समझो मेरी बात को। इफ अगर बंदा भेजता है स्टैक को, अगर स्टैक भेजा बंदी ने, तो क्या करो, दिस डॉट स्टैक को इससे रिप्लेस कर दो, किससे, स्टैक से। अगर नहीं भेजा तो एल्स, तो एरर है ना। इसके अंदर क्लास एक मिलता है मेथड, विच इज देखते हैं कौन सा मिलता है, तो कैप्चर स्टैक ट्रैक प्लेस मिलता है। ठीक है, इसके अंदर पास करना पड़ता है हमें पहले टारगेट ऑब्जेक्ट, अभी टारगेट किसको कर रहा है, ये कर रहा है इसी कंस्ट्रक्टर को, तो हम क्या बोलेंगे, तो दिस इसी को टारगेट कर रहा हूँ, किसी को, इसको ही। सेकंड थिंग ये पूछ रहा है कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट दो, कंस्ट्रक्टर ऑप्शन सॉरी, तो हमें क्या पड़ेगा, बोलना पड़ेगा दिस डॉट कंस्ट्रक्टर, इसी को ले लेता हूँ। कॉपी किया हमने और पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा क्लास तैयार होगा, एपीआई एरर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसको हमें करना इंप्लीमेंट करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे मॉडल डॉट एक्सपोर्ट ऑफ विच इज नॉट इट इट्स अ एपीआई एरर। अब जहां पर मैंने लगाया था क्या, ये लगाया था, कौन सा लगाया था मैंने, लगाया था ये वाला, इसको हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रो न्यू एपीआई एरर, क्या एपीआई एरर, ये किया हमने। अब इसके बाद पास करना है क्या, पहले तो स्टेटस कोड, अभी क्यों पास करना है, क्योंकि तो मैंने बताया ना कि मैं खुद का भेजूंगा यहाँ पर, तो मैंने बोला क्या एचटीटीपी स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, भाई बैड रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मतलब कुछ दे नहीं रहे, तो सीधी बात है। सेकंड थिंग मैसेज, तो मैंने बोल दिया कि टाइटल इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ देखना कि हमारा एप्लीकेशन एक बार स्टॉप नहीं होगा, जैसे चला तो वैसे चलेगा, कनेक्ट किया हमें, सेंड किया, देखो 400 आ गया, टाइटल इज रिक्वायर्ड एंड ऑल ऑफ दैट, और क्या आया 400 बैड रिक्वेस्ट। इस तरीके से क्या किया हमने, खुद का कस्टम मैसेज भेजा और कस्टम कोड लगाया। अगर हम एरर करते क्या आता, 500 आता, और यहाँ देखो तो एप्लीकेशन में एक भी बार फर्क नहीं पड़ रहा, हमने कितनी बार रिक्वेस्ट कर ली, एक बार फर्क नहीं पड़ा, और उससे पहले क्या होता और एप्लीकेशन क्रैश हो रहा था, तो हमने क्रैश ही प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब बात करते हैं कि अगर पेज नहीं मिलता, सेंड किया पेज नहीं मिल रहा इसको, अब ऐसे में क्या करें, तो एक बात देखूँ यहाँ पर इंडेक्स स्टोरेज में, ये हमारा हैंडलर, ये हमारा जो मिडलवेयर है, काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है एरर को कन्वर्ट करने का, ये कन्वर्ट करने का या फिर एरर को हैंडल करने का। अगर मैं इससे पहले बोल दूँ, इससे पहले बोल दूँ क्या एप डॉट यूज, एक भाई अगर तेरे को रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स वही सेम नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट को नहीं लेते, सिंपल लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई राउट नहीं मिलता उसको, आप लगाते हो ना एप डॉट गेट और वाइल्ड कार्ड लगाते हो, एस्ट्रैक होता है उसकी जगह इसको लिख दो क्या एप डॉट यूज रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, और इस तरीके से अगर मान ले नहीं मिलता, भाई चांस नहीं मिलता, तो क्या करेगा, थ्रो कर देगा। यहाँ पर आएगा ही जब जब उसको कोई डाउट नहीं, तो पहले वो आएगा ही नहीं यहाँ पर, ये बोल दिया हमने। और क्या कह दिया, एच टी टी पी स्टेटस सो नॉट फाउंड, और सेकंड बोल दिया पेज नॉट फाउंड, चाहे तो स्टैक दे सकते हो बट स्टैक नहीं दे रहे, ये सेंड किया, क्या गया 404 पेज नॉट फाउंड और एरर, दैट्स इट। अगर टास्क पे क्लिक करते हो ये सेंड हो गया। अगर मान लो कि एरर हटाना कैसे करेंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जो रिक्वायरमेंट थी मैंने बोला कि टाइटल डिस्क्रिप्शन देना है, टाइटल इज जो भी है डिस्क्रिप्शन दे दी हमने, सेंड किया, दैट एरर भी जा चुका है और अपना काम हो चुका है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब कि अब अपना एप्लीकेशन एक बार स्टॉप नहीं हुआ एक बार। ठीक है, तो ये हमने कर लिया एरर हैंडलिंग इस तरीके से। तो आई होप को क्लियर हो गया एरर हैंडलिंग कैसे करते हो, कितना जरूरी होता है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सो अभी इस वीडियो में रखते गाइस, एंड गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड दोस्तों शेयर नहीं किया दोस्तों में शेयर कर दो। सो अभी इस वीडियो में रखते गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।